इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के आखिर में दिया गया है। अन्यथा बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी सारे वीडियोस और लेआउट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेक्टर 75 सेंट्रल नोएडा की एक प्राइम हाउसिंग डेस्टिनेशन है। अच्छी कनेक्टिविटी जिसमें एक्वा लाइन वॉकिंग डिस्टेंस पर और ब्लू लाइन 2 से 3 मिनट की दूरी पे, और साथ ही में नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक सिटी का आईटी और इंडस्ट्रियल हब वो भी बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पे टॉप एमएनसी कंपनीज एचसीएल, टाटा, एक्सेंचर, बार्कलेज, सैमसंग जैसी हजारों कंपनीज के ऑलरेडी ऑफिसेज हैं, और साथ ही में स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। सेक्टर 75 में काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, और मेन रोड पे तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा स्पेक्ट्रम मॉल भी है जो पूरे सेक्टर 75 की लेंथ को कवर करता है। इस वीडियो में सेक्टर 75 के इको सिटी एरिया को कवर किया गया है जो सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इको सिटी सेक्टर 75 का एक वेल डेवलप्ड एरिया है जो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, और यहाँ पे काफी सारे अपार्टमेंट्स का क्लस्टर बना हुआ है जिनमें ज्यादातर रेडी टू मूव इन है। इस एरिया में ज्यादातर रेडी टू मूव इन सोसाइटीज में एम्स गोल्फ एवेन्यू, डैसनैक ज्वेल ऑफ नोएडा, एपेक्स अथीना, गार्डेनिया गोल्फ सिटी, मैक्स बिलिस ग्रैंड किंगस्टन, व्हाइट हाउस, पंचशील प्रतिष्ठा, गार्डेनिया गोल्फ 2 जैसी सोसाइटियां मिल जाती हैं। और वहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन में डैसनैक, बुज ऑफ नोएडा, आईवी काउंटी जैसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे सभी सोसाइटीज के बीच में काफी सारा स्पेस और ग्रीन एरिया मिल जाता है। इस एरिया में सभी सोसाइटीज एक अप मार्केट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें 1, 2, 3, 4 BHK और 4+ सर्वेंट तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक प्राइम लोकेशन, इजी कनेक्टिविटी, पीसफुल और सोबर एनवायरनमेंट और वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड सोसाइटीज, वो भी एक रीजनेबल टिकट साइज में, ये एरिया लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है।